हेलो गाइस, मैं हूँ दिव्यांग और आज दूंगा एक ज्ञान। मैं आपको आज कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपने बहुत बार देखी हैं पर आपको ये पता ही नहीं था कि उनके जो लीड एक्टर्स हैं उन्होंने अपनी असली आवाज़ कभी दी ही नहीं है। हाँ, आपको लगता होगा कि वो उनकी रियल वॉइस है पर बिल्कुल नहीं, वो वॉइस उन्होंने डब की गई थी क्योंकि ये हीरोज़ की शुरुआती के समय में उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी या फिर बोल सकते हैं कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनकी आवाज़ को डब करना पड़ता था। पर उस लिस्ट में कुछ ऐसे एक्टर्स का नाम जुड़ा हुआ है कि आप सुन के शॉक हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 एक्टर्स जिनकी आवाज़ उनकी शुरुआत की मूवीज में डब की गई थी। तो नंबर 1 पे आते हैं, उनके आप पहले क्लिप देखिए। बच्चा है, बच्चा ही रहेगा हमेशा। ना मेरे मुकाबले का कोई था और ना ही कभी कोई होगा। अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। क्यों, शॉक हो गए ना? तो इनकी वॉइस को डब किया था मिस्टर विराज अधव ने, जो अब तक MS धोनी के सब एड्स को डब कर चुके हैं और आपने उनको स्पाइडरमैन की मूवीज में भी डब करते हुए देखा होगा। और वही है द ऑफिशियल वॉइस ऑफ टॉम क्रूज। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टर की तरफ। मैं अपनी लीजा को तुझे छीनने नहीं दूंगा। श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधार वरदौ रघुबर बिमल जसु जोदय बल चार क्योंकि शुरुआत के दिनों में इनको हिंदी इतनी फ्लुएंटली नहीं आती थी, इसलिए इनकी आवाज को डब करना पड़ा था। पर इनकी आवाज है अच्छी पर हिंदी की वजह से इनकी आवाज को डब करना पड़ा था। तो आपने ये मूवीज तो बहुत बार देखी होगी पर कभी सोचा था कि इनकी इस मूवी में आवाज डब की गई थी? तो फिर चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट्रेस की तरफ। मैं नहीं बिलीव करूंगी हूं। 50 माले की बिल्डिंग से जब तुम जंप मार के अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, मैं बिलीव करती हूं। 100 गुंडों को अकेले मार के हीरोइन को बचाते हो, मैं वो भी बिलीव करती हूं। हवा में उड़ते हो, पानी पे दौड़ते हो, ये सब मैं बिलीव करती हूं। तो आप जरूर शॉक हो गए होंगे। तो हाँ, इनकी भी आवाज़ को डब किया गया था क्योंकि ओम शांति ओम उनकी फर्स्ट मूवी थी और डायलॉग्स में कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए उनकी आवाज़ को डब किया गया था। और उनकी आवाज़ को डब किया है मोना शेट्टी ने, जो बहुत सी मूवीज़ में एक्ट्रेस को आवाज़ दे चुकी है और बहुत सी साउथ सी मूवीज़ में भी आवाज़ दे चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्ट्रेस की तरफ। चले। जैसे ये बेल्ट सफेद का तो पता नहीं, but this is made of pure snake skin. Snake skin. और ये जूते मगरमच्छ के जूते हैं। Crocodile. सर वो लेपर्ड के बारे में बताइए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए शॉक लगा होगा क्योंकि सबको पता है कि जैकलिन की हिंदी एकदम बकवास है, तो उसकी आवाज को तो डब करना ही पड़ता है। और बहुत सी मूवीज में, फर्स्ट ही नहीं, उसकी बहुत सी मूवीज में उसकी आवाज डब की गई थी। पर अभी की मूवीज में मतलब थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेती है इसलिए अभी उसको डब नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में जो बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर आपको मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ज्ञान बहुत से लोगों को बांटिए, तो यह बहुत फ्री है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।